रेमेडीज बाकी है थोड़ा। रेमेडीज हो हाँ गई है, यूट्यूब पे वीडियो है, क्या ऐसा बोल रहे हो रेमेडीज नहीं हुई? हाफ हुई है सर, हाफ डेटा मतलब पूरा कितनी? लिस्ट भेजी थी, हाँ उसमें जी वो कैसे यूज करने हैं उनको, वो पूरा पार्ट रह गया है। हाँ, वो उसके तो वीडियोस आएंगे, वो मैंने भाविन को बताया है कि जब भी वो अभी रेमेडीज करने अलग अलग जगह पे जा रहा है तो वो कैसे प्लेस करनी है ना, वो प्लेसमेंट की आपको वीडियोस मिल जाएगी कि जैसे ऑन द साइट जहाँ पे WC है वहां पे कैसे उसको रेमेडाइज करना है, उस चीज की आपको वीडियो मिल जाएगी। जो आपने डेटा चार्ट भेजे है ना, उसमें जो मंत्र है, सामग्री है हाँ वो मैं अभी समझा रहा हूँ, वो तो अभी अभी इसलिए तो ये खोल लिया PDF। सर, मुझे ना 3 चीजें पूछनी थी हाँ जी सर। जैसे कि एक फ्लोर प्लान है, उसके अंदर एक रूम है ईस्ट साउथ ईस्ट का, तो वो जी तो कम हम छोड़ देंगे क्योंकि वो तो डिप्रेशन और एनजाइटी का जोन है, ठीक जी है। अब 2 रूम बचे हैं, एक साउथ वेस्ट का है और एक वेस्ट साउथ वेस्ट का है, ओके और एक रूम है उसमें वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, अगेन डिप्रेशन और उसका है, और नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आ रहा है। अब जी फैमिली में 3 पर्सन है, मदर और एक मेल ही है डाइवोर्स्ड है, तो इसमें ओके कौन सा रूम किसको देना चाहिए? कितने लोग हैं घर में? अगेन तीन। 3 लोग हैं। हाँ और ब्रेड विनर कौन है? जो मतलब डाइवोर्सी तो उनका बेटा है वो है, ही ओके मस्ट हाँ, बी 36 और डाइवोर्स ये तो उसको साउथ वेस्ट दे दो। हाँ साउथ वेस्ट। अच्छा जी, फिर दूसरा कौन है? हाँ दूसरा मदर फादर है उनके, तो फिर उनको वेस्ट साउथ वेस्ट में भेज दो। और दूसरा कमरा कौन सा है हमारे पास? नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये 2 जोन आ रहे हैं दूसरे रूम में। ओके हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट में बेड लगा के भी आप माता पिताजी को स्थान दे सकते हो, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, अच्छा नॉर्थ वेस्ट, हाँ ठीक है सर। सर बेड आ मुझे, जाएगा ना नॉर्थ वेस्ट में। हाँ जी सर, मुझे एक और चीज पूछनी थी जी कि अगर है ना ये जो MCV बॉक्स जो होता है ईस्ट नॉर्थ जी ईस्ट में, तो उसमें कोई रेमेडी की जरूरत पड़ती है? ईस्ट साउथ ईस्ट में या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में? ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अगर है तो उसको या तो एल्यूमिनियम का एक डब्बा बना दो उसके ऊपर, या वुडन का डब्बा बना दो, उसको खुला नहीं रखना है, ठीक। और इससे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, खाली धीरे धीरे बाल चले जाएंगे और इसका कुछ उससे प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले। हाँ अच्छा, और सर अगर एंट्री E4 की है और एक जी फ्रेम जो होता है ये वाला जो मतलब इतना सा है, ये E5 का, तो उस E5 हीट करना चाहिए या जरूरत हाँ नहीं जी, है करना चाहिए करना चाहिए। उसको करना अगर हम चाहिए? रेमेडी कर रहे हैं सब जगह पे तो करना चाहिए, बाकी वो मॉडरेट एंट्री है E5 वाली, तो ना करो तो वो दिक्कत नहीं देने वाली आपको। अच्छा सर, एक ना ये विश्वकर्मा प्रकाश में मैंने ना ये एक, जब से आपने बताई बुक तब से मैंने पढ़ना स्टार्ट करा, तो इसमें ये एक पूरा पैराग्राफ है, आप प्लीज समझा देंगे? इसमें लिखा है देवालय अथवा ग्रह के जीर्णोद्धान में, मतलब जो वो रेनोवेशन होता है वो होगा हाँ ना, जी जीर्णोद्धान यस यस, निर्माण होने पर ग्रह प्रवेश में नवीन और देवालय। देवालय की बात चल रही है, मंदिर जब आप बनाओ तब। तो सर में लिखा है कि ये सब कुछ करने पर परिवर्तन पूर्व ही वास्तु शांति करना चाहिए, तो सर कोई नया मतलब पुराने घर में, जैसे कोई नया घर है पहले से बना हुआ घर, तो उसमें गृह प्रवेश के पहले गृह प्रवेश बार बार नहीं कर सकते, वास्तु की पूजा हर साल आप कर सकते हो, वास्तु नहीं, शांति। गृह प्रवेश करने के पहले जो रेनोवेशन करवाते हैं, तो ये जी जो वास्तु पूजा रेनोवेशन के पहले करवानी चाहिए या बाद में नहीं, करवानी? रिनोवेशन के बाद करवानी है, बाद में, पहले कुछ नहीं करना पहले कुछ नहीं करना है। अगर जो जैसे लैंड है और लैंड के ऊपर आप बनाना स्टार्ट कर रहे हो तो खात मुहूर्त करके एक विधि है, वो खात मुहूर्त कराने जरूरी है। वो भी इसी में ही है विश्वकर्मा। नहीं वो फिर उसके लिए आपको वो जो ब्राह्मण होते हैं वो जहाँ पे पढ़ते हैं वहां पे ये सब आपको समझाएंगे। तो अपने लिए इम्पोर्टेंट इतना है कि जमीन है तो हमको खात मुहूर्त कराना है, कोई अच्छा ब्राह्मण हो उससे। अच्छा सर, जैसे कि जब ये करते हैं, जैसे आपने बताया कि लैंड पे नींव करते हैं, तो नींव जब डलती है, तो अगर डालने की पूजा को खात मुहूर्त बोला जाता है।
नहीं सर, जैसे अगर नींव डालते हैं तो पहले कौन से डायरेक्शन में नींव डालनी चाहिए, क्योंकि साउथ वेस्ट। वो डिपेंड करता है आपका चंद्रमा कहाँ पर है, वो ब्राह्मीन आपको बता देगा। जनरली साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, बट वो आपको अगर प्रॉपर करना है तो आपका चंद्रमा अभी गोचर में कहाँ है वो देख के आपको दिशा बताएंगे। थैंक ठीक है, ओके, थैंक। यू। सर एक क्वेश्चंस ले लेते क्वेश्चन हैं था पहले सर, आज। जस्ट जस्ट जैसे सेकेंड, 1 मिनट होल्ड करिएगा, 1 मिनट। हाँ जी सर सर, ये रेक्टेंगल नॉर्थ प्लॉट ईस्ट है, अगर बड़ा हुआ है, एक एक करके प्लीज। नॉर्थ ईस्ट बड़ा है तो क्या करें सर उसके लिए? अच्छा नॉर्थ ईस्ट बड़ा है तो अच्छा है ना। कुछ करने की जरूरत नहीं है सर। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर हमारा वो रेमेडीज रह गई थी, कुपवेदा, छायावेद और उसके रेमेडीज रह गई थी सर, और हाँ जो जी। गेट के सामने जो गेट होते हैं वो। मैं बताया था आपको कि जब भी वेद आता है तब जी आपको हनुमान जी की टाइल्स लगानी है, याद है? हनुमान जी, नहीं सर आपने बोला था कि जब रेमेडीज का समय आएगा आप उस समय बताएंगे। मैं बता तो रहा हूं, एक बार ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं फिर से वही बता रहा हूँ, आप अच्छा सुनते ही नहीं हो। आपका आपका वो मॉर्निंग खुद का क्वेश्चन ही आप बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि हनुमान जी की टाइल्स है जो सारे वेद में काम करती है, सबसे सिंपल रेमेडी वो है। तो कहाँ दूसरी पे सिंपल लगानी है सर? रेमेडी, शायद कुपावेदा में सर वो। कोई भी वेद हो, अच्छा वो कहाँ पे लगानी है सर अगर कुपावेदा में है तो? जैसे हमारा ये दरवाजा है तो दरवाजा के लेफ्ट हैंड साइड आपको लगानी है, अच्छा ओके सर, हाथ यस में पर वो पर्वत होना चाहिए, वैसी वाली टाइल्स। उसकी भी ओके मैं फोटो अरेंज करके भेज दूंगा आपको। लेफ्ट बोले तो एंट्री से लेफ्ट की एग्जिट के टाइम लेफ्ट? ये बाहर का दरवाजा है आपका, ठीक है, ये उसकी लेफ्ट साइड हुई। ओके सर मतलब एंट्री टाइम एंट्री लेफ्ट है ना, एंट्री के टाइम लेफ्ट है। के टाइम राइट हो गया। एंट्री के टाइम राइट होगा, हम बाहर निकलते हैं तब दरवाजा ये है, यहां से हम बाहर निकल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड लगाना। ओके ओके अच्छा सर, रेक्टेंगल प्लॉट, रेक्टेंगल घर है तो उसमें सर साउथ साउथ वेस्ट और ये जो पैरेलल जो दिशाएं रहती हैं ईस्ट हाँ जी नॉर्थ ईस्ट, ये सब बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है बार चार्ट में भी। तो अगर बराबर जैसे साउथ साउथ वेस्ट हद से ज्यादा बड़ा हुआ है, मतलब जो अपना ऊपर का जो लाइन है जी उसके भी ऊपर जा रहा है, तो जी उसको एग्जॉस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? मैं समझा देता हूं आपको। जो प्लॉट है तो प्लॉट में जितना आपको काटना है तो दीवार की जो जो जमीन होती है, जमीन के बिल्कुल नीचे बिल्कुल ऐसे सर, दो ईंट करके, ऐसे दो ईंट आपको रखनी है बिल्कुल और पूरा उससे काटना है, और उसके आगे हमको ब्रास लगाना है, ब्रास का जो स्ट्रिप आती है वो लगानी है। तो ये दो दो ईंट हो गई और ये हमारी ब्रास की स्ट्रिप हो गई, आराम से ऐसे लंच करके पूरा आपको कट कट करना पड़ेगा। वैसे ही जगह पे जब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात आ रही है तो उस टाइम पे आपको एसएस की पट्टी यूज करनी पड़ेगी और दो दीवार, दो दो ईंट की दीवार बनानी पड़ेगी। सर। इसका किधर आपने कुछ किया है क्या, ऐसा कोई वीडियो है क्या इसका हाँ, कुछ? वीडियो तो नहीं है, एक या वीडियो फोटो भी नहीं, अगर भेज देंगे तो एक फोटो से भी काम पर हो मतलब जाएगा। फोटो वीडियो अभी तो कुछ है नहीं, क्योंकि जब किया था तब ऐसा सोचा नहीं था कि ये जरूरत होगी इस चीज की। पर और सर सर अगर कलर फ्लैट कलर होगा तो थेरेपी कैसे तो, करेंगे? हाँ मैडम एक जी, सेकंड क्या एक बोल रहे हो सेकंड, कलर थेरेपी सर, अगर काम फ्लैट करेगी क्या होगा तो इसको कैसे करने के करेंगे? लिए? अरे पर जिनका सवाल चल रहा है, 1 मिनट 1 मिनट, जिनका सवाल चल रहा है सर उनको बताने दीजिए। अगर कलर थेरेपी से इसको कुछ कम किया जा सकता है टेम्परेरी? कलर थेरेपी, लैंड के ऊपर आप कलर थेरेपी कैसे करोगे सर? नहीं SSW जैसे बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, हाँ मतलब जी घर का अच्छा खासा हिस्सा, मतलब मेजर, क्योंकि राइट। रेक्टेंगल है तो बहुत बड़ा हिस्सा SSW में चला जा रहा है। पहले तो वहां पे बेड था, बेड हटा के साउथ में रख दिया, अब वो पूरा कम से कम एक 10-12 मतलब अच्छा खासा ही है, मतलब तो 60-70 आप काट नहीं 80 सकते ऐसा स्क्वायर बोल फीट रहे हो हो आप? सर। काट मतलब फर्स्ट फ्लोर पे है, ग्राउंड फ्लोर पे भी अपना ही है, फर्स्ट फ्लोर पे भी अपना ही है, पर ओके, काटना है मतलब खड्डा करके स्ट्रिप डालनी पड़ेगी, यही स्ट्रिप लास्ट डालनी ऑप्शन है। पड़ेगी और 2 इंच की दीवार बनानी पड़ेगी जब हद से ज्यादा बढ़ रहा है तब। अच्छा मतलब पार्टीशन देने से वो सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। और अगर कलर करना है तो उसका नेक्स्ट कौन सा आता है और प्रीवियस WSW कौन है सा आता है, ये ग्रे, बताइए। हाँ एक पहले तो रेड आता है अपना, इसका साउथ आ रहा है, हाँ जी
तो साउथ में तो रेड कलर है, और उसके बाद जो आ रहा है ये तो पृथ्वी तत्व हो गया, SSW हाँ, फिर का तो आकाश येलो तत्व होता आएगा, है, तो आकाश उसके तत्व बाद का कलर ग्रे कौन सा है? सिल्वर, हाँ, तो ग्रे व्हाइट का कॉम्बिनेशन तो वहां पे के करने से काम कर हाँ देगा, जी, यस सर, ग्रे मेरे दो व्हाइट। क्वेश्चन हाँ है सर। जी, ओके सर, एक ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट साउथ ईस्ट में ठीक। से शुरू होके नॉर्थ ईस्ट तक क्लॉकवाइज हाँ, डायरेक्शन में स्टेयर्स है, तो उसकी रेमेडी क्या होगी सर? ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट तक। नॉर्थ ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट में लैंडिंग आ रहा है, हाँ सर, सीढ़ी नहीं स्टार्ट कहाँ ऊपर से स्टार्ट स्टार्ट हो रही है जी? हो रहा है सर, ईस्ट साउथ ईस्ट से क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट तक जा रहा है सर। मतलब तीन जोन ट्रैवल कर रहा है वो, हाँ जी सर, ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ जी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, तीन चार जोन ट्रैवल करके सीढ़ी आपकी पहुंच रही है। तो सर, जितना भी नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है या ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, उसको जी आपको अच्छा ट्रीटमेंट करना है अगेन मर्क्यूरी से, बाकी ईस्ट साउथ ईस्ट को आपको ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा और सर वेस्ट में जो है मेरा जो बाथरूम आ रहा आया हुआ है, वहां पे ब्लैक कलर के टाइल लगे हुए हैं सर, ओके, बट वो तो उस वो भी प्रॉब्लम देगा सर, ब्लैक कलर का टाइल, प्रॉब्लम देगा, यस यस, तो उसको क्या करना पड़ेगा सर? अच्छा, टाइल्स निकालने पड़ेंगे, वो या तो टाइल्स के ऊपर उसके टाइल्स के ऊपर पेंट करवा दो सर। पेंट। अच्छा, उससे हो जाएगा। यस 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 ओके ओके सर, सर, थैंक वेस्ट में सेप्टिक टैंक होगा यू। तो उसका सोल्यूशन उसको बंद करना ही है। हाँ, उसका सॉल्यूशन उसको बंद करना ही है, और अगर बंद नहीं कर पा रहे हो आप, तो आपको बार चार्ट में देखना, ये जो भी रेमेडीज बता रहा हूँ ये सारी एडवांस लेवल की रेमेडीज है, तो ध्यान से करना। तो जब भी आपको वेस्ट में सेप्टिक टैंक आ रहा है, और वो कितने पार्ट में आ रहा है वो देखना है, जैसे एक मैप हो गया, तो एक मैप में 30% से जो टोटल एरिया है उसका, उसके 30% से ज्यादा चीज हो रही है तो उसको आप काट सकते हो, ठीक है, और 30% से कम है तो आप उसको बढ़ा सकते हो, ये एक बेसिक सा नियम है। जैसे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कट रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ फिर से डिटेल में, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट या हमारा ईस्ट कट रहा है ऐसा समझ लो, तो जब भी ईस्ट कट रहा है या बढ़ रहा है, तो कट उसको कब ट्रीट करना है, जब वो ईस्ट का एरिया 30% जो होता है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो कि एरिया मैं? मतलब अगर 1000 स्क्वायर फीट है तो हाँ उसका जी, 300 स्क्वायर फीट सेकेंड, मैं से कोई मैप ज्यादा खोल लेता बड़ी हूँ तो आपको समझा पाऊँ। होल्ड होल्ड करिए 2 मिनट। ये जैसे मैप हो गया, बीच में कुछ कट रहा है, बढ़ रहा है, कुछ है ही नहीं। हाँ चलो, नॉर्थ वेस्ट इतना कट रहा है, ठीक है। अगर इसका हम बार चार्ट देखेंगे, कहाँ गया नॉर्थ वेस्ट, अच्छा बढ़ा हुआ है इसमें, सॉरी बाहर निकला होगा। हाँ, तो ऐसा समझ लो ये कट रहा है अभी अभी के लिए, ठीक है, ओके यहाँ पे कुछ है ही नहीं उनका, ऐसा समझ लो। तो ये अगर 30, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया है उसका 30% से ज्यादा कट रहा है, तो ही इसकी रेमेडी करने की जरूरत है, वरना नहीं है, वरना खाली फोकट आप रेमेडीज मत करना। ओके पर सर, ये तो अपन तो सेप्टिक टैंक के बारे में बोल रहे, तो मैं सेप्टिक आ रहा टैंक हूँ का भी सेप्टिक सेम है। टैंक पे, पर ओके बेसिक तो ओके समझ लो भाई पहले, खाली ओके ओके नहीं आपका रेमेडी बता दूँ, कॉन्सेप्ट नहीं समझना है, नहीं नहीं समझना समझना। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, ठीक है। तो जब वेस्ट में सेप्टिक टैंक आ रहा है उसके ऊपर आते हैं, ऐसा समझ लो ये वेस्ट है हमारा, और यहाँ पे सेप्टिक टैंक आपका आ रहा है, ठीक है। तो हमको देखना है कि ये कटा हुआ है कि बड़ा हुआ है, अगर बड़ा हुआ है तो आप उसको पूरा वेस्ट को ही वहां से अलग कर दो, जो अभी मैंने ट्रिक बताई उस हिसाब से, ओके ठीक है। और अगर कट रहा है तो आप उसको काट नहीं सकते, ठीक है। तो आपको जो तो सेप्टिक टैंक का जो जैसे ये सेप्टिक टैंक है, तो उसके इर्द गिर्द आपको आयरन स्ट्रिप से काटना पड़ेगा, और साथ में मोती डालने पड़ेंगे और चांदी डालना पड़ेगा, तो उसकी ऊपर जो
इफेक्ट है उसको वो नेगेट करेगा, राइट? ओके मोती और चांदी, हाँ जी, और साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ वो तो भी सर हमको वो वजन करना है सर लेड डाल साउथ के। वेस्ट बढ़ा हुआ है तो पहले उसको काटना है सर, और फिर साउथ वेस्ट में वजन रखना है। उसको कैसे काटना पड़ेगा सर अगर वो है तो? सर यही तो समझा है, दो अगर आपका अपार्टमेंट है तो आप काट नहीं सकते उसको, जी ठीक है? अपार्टमेंट है तो फिर आपको कलर से ही करना पड़ेगा, बंगलो है अगर या प्लॉट है तो आप जी उसको काट सकते हो। अच्छा वो ब्रास का लगाना पड़ेगा, दो ईंट लगा के अच्छा ब्रास का। हाँ, ईंट दो ईंट लगा के, एक के ऊपर एक दो ईंट लगा के ब्रास की हाँ स्ट्रिप आके रख के, और उससे भी ज्यादा आपको इफेक्ट चाहिए तो उसके साउथ वेस्ट के क्रिस्टल्स कौन से है? येलो येलो सिट्रिन सिट्रिन तो बहुत महंगा पड़ेगा भैया, सिट्रिन गोल्डन तो आप डालने जाओगे तो 3-4 लाख रुपए खाली क्वार्ट्ज, सिट्रिन का गोल्डन चला क्वार्ट्ज है जाएगा। सर, येलो गोल्डन गोल्डन क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज जो आता है वो आप जी। यूज कर सकते हो, तो तीनों हाँ तीन चीज आपको यूज करनी अच्छा, और जो गेट पे हम जो रेमेडी करते हैं सर, जो बाहर है। के जो मेन गेट के वो घर के अंदर वाले हिस्से में करना होता है कि बाहर वाले गेट के क्या हिस्से है? में करना होता फिर से बताइए। है सर? अभी जैसे घर का मेन गेट है, दरवाजा नहीं मेन गेट है, प्लॉट का मेन तो गेट, अभी मेन गेट है सर, तो अगर प्लॉट का। हम वहां पे स्ट्रिपिंग करते हैं, कॉपर कॉपर हो या मेटल हो, स्ट्रिपिंग करते हैं, तो घर के अंदर वाले भाग में करना चाहिए, बाहर वाले भाग में करना चाहिए? नहीं जी, जहां पे दरवाजा लगा है, जी कैसे समझाऊं, एक सेकेंड, चलो रखो मैं समझाई देता हूँ आप। बार साख वो फ्रेम को क्या बोलते हैं, डोर फ्रेम, सर, दहलीज की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं दहलीज की कर मैं रहा नहीं हूँ बात कर रहा हूं, मैं भी दहलीज की बात नहीं कर रहा हूं। जी सर। सर चौखट बोलेंगे ना डोर फ्रेम? हाँ, मैं समझा देता हूँ, एक सेकंड। घर के अंदर भी नहीं करना है, घर के बाहर भी नहीं करना है, तो ऐसा कोई फोटो क्यों नहीं मिल रहा? सर आप हाथ से ही लिख के बता दिखा दीजिए, कोई दिक्कत अरे नहीं। हाँ, 1 मिनट भैया, 1 मिनट, ठीक तरह से पढ़ोगे ना तो मजा आएगा। क्वेश्चन आपके जायज है। देखो ये जैसे आपका प्लॉट का मेन गेट है, दिख पा रहे हो सब? जी सर नहीं दिख ठीक है, रहे, नहीं नहीं दिख दिख सर, रहा? दिख दिख रहा है रहे हैं सर, सर। दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, ओके, तो ये जो पार्ट है ना बीच वाला, जहां जी। से एनर्जी बाहर की और अंदर की आप काट रहे, मतलब चेंज हो रही है कि आपकी ओनरशिप हो गई, तो यहाँ पे जी बीच में करना है, ना कि अंदर ना कि बाहर। सर, क्योंकि हमारा नीचे जो है सर वो व्हील्स लगे हुए हैं, क्या लगा नीचे हुआ है? वाले व्हील्स मतलब हाँ, तो कोई वो आयरन की पाइप पट्टी निकालना लगी। पड़ेगा, पाइप निकालना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, और फिर से पाइप लगाना पड़ेगा, पूरा वो गेट ही ठीक ढंग उखाड़ना से पड़ेगा करना सर है। इसके हाँ लिए, पूरा गेट ही जी, उखाड़ना पड़ेगा, पूरा हाँ तो वो गेट ही उखाड़ना निकलेगा ना पड़ेगा। सर, निकलेगा ना सर वो। सर मेरा अच्छा एक क्वेश्चन है सर, दहलीज जो है वो अगर पत्थर की आपका, लगी हाँ जी एक सेकंड, इनका खत्म कर दूँ, और अगर आपका पाइप लगा हुआ है तो पाइप के जस्ट पीछे भी आप कर सकते हो, पाइप को छूके, जो व्हील्स वाली पाइप है नीचे उसको जी। छूके अंदर की साइड भी आप कर सकते हो, बट मोस्ट आइडियल सिचुएशन क्या रहेगी कि एग्जैक्ट यहाँ पे आप करो। अच्छा ओके सर। सर मुझे भी कुछ सर पूछना है आपसे, तो पत्थर हाँ की जी, दहली में तो वो कटने में दिक्कत आएगी सर? वो तो पत्थर है आपका, काटना नहीं है, वो तोड़ के ही नया ही आएगा फिर। नहीं लगेगी, और हाँ टाइल्स जी लग चुके, टाइल्स लग चुके वो भी पूरी कट के ही हटेगी? हाँ जी, ठीक तरह से करना है तो ये सारे ऑप्शंस है, ठीक है? और टाइल्स ठीक, नॉर्थ ईस्ट का है तो व्हाइट टाइल्स ही लगा सकते हैं या व्हाइट मार्बल ही लगाना है? हाँ व्हाइट टाइल्स भी लगा सकते हो, बट मार्बल इज मोस्ट मोर अप्रोप्रिएट। सर अगर हाँ नॉर्थ, सर मेरा एक क्वेश्चन है जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ, अपार्टमेंट में जैसे लोग
दरवाजा ले रहे हैं, चौखट बना रहे हैं, आपने चौखट बोला है, E3 की एंट्री है, हम वुडन दरवाजा अगर लेते हैं, बट फॉर फॉर सेफ्टी पर्पस कई लोग बोलते हैं कि हम आयरन का गेट आगे लगाना चाहते हैं, तो क्या वो एंटी एलिमेंट नहीं हो जाएगा वहां पर? वो बाहर की साइड आएगा ना आपका दरवाजा, तो अंदर ये मेन दरवाजा रहेगा, वो हाँ आयरन की जो आप जाली लगा रहे हो वो बाहर लगा रहे हो। हाँ तो जैसे हमें क्या मेरी वहां पर? S3 की एंट्री है समझो, ठीक है, तो मुझे सेम प्रॉब्लम आई, मैंने मुझे भी चाहिए था सेफ्टी के लिए, मेरी छोटी बेटी है, तो मैंने ऐसी डिजाइन सिलेक्ट की, और उसमें बीच में मैं आपको दरवाजे का फोटो भी भेज दूंगा, बीच में जो भी जाली बनाई ना वो मैंने पूरी कॉपर से बनवाई, जाली तो कॉपर ऐसा की, भी आप कर सकते हो। मतलब लोहे के गेट की जो बाहर का जो गेट है उस पे हम कॉपर की जाली ले लें? नहीं, मैंने ऐसा लिया है क्योंकि मेरी S3 की एंट्री है, सर ये S3 की ही एंट्री की बात कर रहे अभी आप हैं क्या? E3 बोले थे, नहीं S3 नहीं, सॉरी E3, हाँ E3 की। आप कंफ्यूज हो रहे ओ हो, मुझे नहीं भी सर काफी। E3 की है, वो गलती से मुंह से निकल गया था। हाँ हाँ, तो E3 में स्टेनलेस स्टील यूज कर सकते हो आप, तो स्टेनलेस स्टील की भी जाली मिलती ही है, ठीक आयरन है, की ही करवानी है ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो सर कोई एलिमेंट वगैरह देने की जरूरत तो नहीं है वहां पर, और कोई क्रिस्टल नहीं जी, कोई नहीं कोई नहीं। वगैरह? तो स्टील का गेट लगवाकर वुडन दरवाजा अंदर लगवा सकते हैं, कोई हाँ दिक्कत जी, नहीं, हाँ जी, बिल्कुल सिर्फ जी, जाली जाली स्टाइल में स्टाइल बनवा में लेना। बनवा सर लेना। हाँ जी, हो गया। जाली स्टाइल में रखवा सकते हैं मतलब बाहर का हाँ जी, दरवाजा? यस 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 यस। सर, ये ठीक है रेमेडी सर। करते समय कोई मंत्र ऐसा कुछ होता है जब रेमेडी क्या बोल करते रहे हैं? हो, बोल रहे हो। सर रेमेडी करते हैं तो उसमें कुछ ऐसा मंत्र होता है कि हमको हाँ, बोलना है कि वास्तु का उसका? एक एक ही मंत्र है, वो आप कर लोगे तो चल जाएगा, उसकी भी लिंक भेज देता हूँ मैं। सर एक चीज और पूछनी है, हमें अगर रेनोवेशन कर रहे हैं तो हमें वास्तु पुरुष की प्लेसमेंट ब्रह्मस्थान में ही करनी है? वास्तु पुरुष की प्लेसमेंट ब्रह्मस्थान में ही करनी है मतलब? किसी ने पूछा मुझसे कि हमें, हम अगर वास्तु पुरुष रखना चाह रहे हैं तो नहीं क्या? रख सकते हो आप, नहीं, ब्रह्मस्थान में आप कमल बना सकते हो, वास्तु पुरुष को नहीं रखना है घर में। वास्तु पुरुष की जरूरत नहीं, मतलब नहीं रखना है नहीं, सर। कमल कैसे बनाए, मतलब ड्राइंग करके? हाँ, ड्राइंग करके बना सकते हो, विनाइल का स्टिकर लाके बना सकते हो, ओके ठीक है, जब ब्रह्मस्थान की रेमेडी हो रही हो तब आप सारे क्रिस्टल जितने भी बोले हैं वो सारे ब्रह्मस्थान में प्लेस कर सकते हो। वहां पे एक कमंडल आता है, पता है, वो मैंने शायद बताया था आपको, कमंडल की प्लेसमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमल के फूल रख सकते हो, ये ब्रह्मा जी के सारे एलिमेंट्स हैं। और सर वो कमल का जो फूल होगा उसका कोई कलर का भी ऐसा है क्या, कोई भी कलर रखना है? नहीं, कमल के फूल का कोई कोई चिंता नहीं, और ब्रह्मस्थान में सारे जोन्स निकलते ब्रह्मस्थान से समझो, तो वहां हाँ पे सब चलेगा। सर, मैम ये क्या भाई, आपने बोला खोल के था लास्ट टाइम कर कि ये भुजंग देवता को पहले वो पूजना है ना, वास्तु करने से पहले? नहीं, सर? मैंने नहीं बोला सर, आपने बोला ना कोई एक देव को है मेरे जागृत, पास वीडियो, नहीं 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 बोला सॉरी, मैंने। मतलब कौन से देव को जागृत करना है पहले? इम्यूनिटी वाले आपने शायद बोला था ना, ताकि वास्तु किसके आपका लिए? अच्छा हो। वास्तु का कोई भी रेमेडी करना है उसके पहले आपको कोई एक देवता को जागृत करना है ना, आपने कहा था। नहीं, मैंने बोला था मेरी जो एग्जीक्यूशन आपको तेज करना है, तो सूर्य जो देव है उनको आपको ज्यादा एक्टिव करना पड़ेगा, तो आपका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, और वो भी इस रेफरेंस में बोला था कि किसने पूछा था मेडिकल वास्तु के बारे में, तो मैंने बोला मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ मेरा वजन कम करने का, उसके लिए मैंने सूर्य देव को एक्टिव किया है, तो रिजल्ट्स मिलेंगे तो बताऊंगा, ये मुझे पूरा याद है, एक ऐसा बोला था मैंने। ओके सर, ये सर रॉड क्या खाली साइज का होना चाहिए सर जो हम कट करते हैं? क्या जी, रॉड रॉड क्या साइज का होना चाहिए? रॉड किस रॉड चीज का रॉड? वो जो जैसे अभी हमको काटना है साउथ वेस्ट, अगर वहां पे मैं मेटल का लगाना है। हाँ वो रॉड नहीं लगेगा सर, स्ट्रिप आएगी, जैसे हमारी स्टेनलेस स्टील की हाँ रूरल नहीं आती, ओके ठीक हाँ 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 है, एग्जैक्ट वो साइज की ही आती है, वो अच्छा, साइज की ही आपको स्ट्रिप बनवानी है। 19x3 mm, हाँ, नाइनटीन वो एम दूसरे एम MM, वो भाविन को ज्यादा पता होते हैं टेक्निकल चीजें, इंटू हाँ आपने और आयरन जो का बताया रॉड था तो रॉड आता है रॉड सर जो होता, हाँ मैं समझा रहा हूँ, जो रॉड जी होते हैं वो जी वर्चुअल एंट्री खोलने के लिए होते हैं, ओके ओके सर तो जब आप काट रहे हो या उसको बंद कर रहे हो तब आपको स्ट्रिप यूज करनी है, और हाँ जब आप हाँ वर्चुअल एंट्री खोल रहे हो तो उसके लिए रॉड होते हैं, और अच्छा जो टॉयलेट के रॉड्स है
वो हम बनाते हैं हमारे क्लाइंट्स के लिए, दैट वी आर नॉट सेलिंग, हम बेचते नहीं है वो, क्योंकि जी सर, लिमिटेड बनते हैं वो, हाँ उसमें बहुत सारी मैनुअल प्रोसेसेस है, तो जहां पे हम काट नहीं सकते या रेंटेड जी जगह पे है जी या अच्छा सा 20 लाख का WC मतलब पूरा बाथरूम बनाया हुआ है, तो उसमें जी लोग काटने नहीं देते, तो हाँ उसके हाँ लिए हमने वो रॉड्स डिजाइन किए थे। सर, आपसे ले सकते हैं हम लोग? नहीं बेचते सर हम, फिर कहाँ से ले सर हम आपके लोग? खुद के घर के लिए आपको चाहिए तो वो मिल जाएंगे, मतलब वही बाकी खुद के लिए क्लाइंट्स सर, के लिए नहीं है, खुद के आप लिए चाहिए आपके सर, क्लाइंट्स के लिए मैं नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा आपको, मेरे लिए ही चाहिए सर। अच्छा आपके लिए मिल जाएंगे। सर, तो अच्छा एक बार आप शेयर करना कैसी सर, है, कैसे नेहा हो जी आपकी आवाज कट रही है, सर, एक बार आप इमेज तो शेयर करवा देना। इमेज है ना, रॉड लाओ तो एक अभी दिखाई देता हूं आपको। वो रॉड बेसिकली कुछ नहीं सर होता, ब्रास का और कॉपर का रॉड होता है, ठीक है, और उसके अंदर लाइम यानी जो चूना आता है वो होता है, तुलसी अर्क होता है, उसके क्रिस्टल्स होते हैं और रत्न होते हैं, वहां पे जो भी देवता को हम ट्रीट कर रहे हैं उस हिसाब से। सर अगर साउथ ईस्ट की एंट्री है तो फिर क्या रेमेडी कर सकते हैं? साउथ ईस्ट की एंट्री है तो आपको कॉपर से उसको काटना पड़ेगा, क्योंकि E8 की है या S1 की है, जैसे ये रॉड हो गया, ये रॉड टॉयलेट के जहां पे ड्रेनेज आ रहा है, ये एक सेट आता है, दोनों साइड आपको ड्रेनेज के साइड में लगा देना है, इसके ऊपर ये उसके जो भी जोन है उसका पिरामिड आ गया, और ये मैन्युअली बनता है, अंदर अंदर की जो चीजें है वो मैन्युअली बनती है, इसका वजन होगा शायद से 1.5-2 किलो, दो का मतलब 1 किलो, 1 kg each। बस साइड में रख देने से हो जाएगा सर ये? हाँ जी, हमको रिजल्ट्स मिल रहे हैं इसमें, अच्छा, खाली तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में रिजल्ट्स नहीं काटने की मिले। जरूरत ही नहीं है सर फिर तो हमको। हाँ, फिर काटने की जरूरत नहीं है, ओके सर, और गेट राइट। पे तो हमको मैं खोलना ही आपको, पड़ेगा। आपको अगर चाहिए तो मैं आपको इसकी रेसिपी बता सकता हूँ, आप खुद से बनवा सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए, सर पहले हम अपना तो सुधार ले सर, बाद में दूसरों का मैं मतलब देखें। आपकी अकेले की बात नहीं है, सबको बता रहा हूँ, इसकी जी अगर रेसिपी चाहिए कि क्या क्या अंदर डलता है तो जी वो मैं दे आपको दे सकता हूँ, तो आप अपने दीजिए क्लाइंट्स के लिए जो जिनको भी करना है वो अपने क्लाइंट्स के लिए बनवा के वहां पे पेस्ट करवा सकते हैं, तो बता बिल्कुल दो दीजिए सर। सर, दीजिए, जरूरी है, और हाँ वो पूरा सिस्टम में बता दूंगा आपको, व्हाट्सएप पे आ जाएगा, मैं जो व्हाट्सएप पे पर इतनी सारी बातें होती है ना, मेरे मैसेज दब जाते हैं ऐसा लगता है मुझे, वो खोल के गलती कर दी मैंने फिर से। सर ये बताइए, अगर नॉर्थ वेस्ट का किचन आ जा रहा है तो कंस्ट्रक्शन जब हो रहा है तब कौन सा प्लेटफॉर्म का कलर दे दें? नॉर्थ वेस्ट का किचन आ रहा है तो आप येलो जैसलमेर का पत्थर यूज कर सकते हो, व्हाइट यूज कर सकते हो, क्रीम कलर का प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, जो टेराकोटा का प्लेटफॉर्म आता है वो यूज कर सकते हो। सर क्रीम तो सारी दिशा में चलेगा ना, प्लेटफॉर्म में भी हाँ अगर जी यूज करते हैं, हाँ जी हाँ जी, क्रीम और ग्रीन भी सारी जगह चलता है। चलता है, ऑफ व्हाइट ग्रीन नहीं चलता, ग्रीन सुना था ग्रीन मैंने। ही ठीक चलता, नहीं है तो आपने गलत क्रीम, सुना क्रीम है, ग्रीन हमारा एयर ज्यादा। एलिमेंट का कलर है। अब करेक्शन कर लेंगे सर। हाँ जी, सर यदि घर में मल्टीपल प्रॉब्लम और ना तो प्रोग्रेस हो रही हो, तबीयत भी ठीक नहीं रहती हो, फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो, कर्जे भी बहुत हो रहे हो आपने नक्शे तो भेजे हैं, भाविन से सर, बात नहीं हुई तो अनीता जी, नहीं सर, हमारी केस हिस्ट्री लेने की बात थी, वो भी नहीं हुआ सर। चलो अभी ले लेते हैं, हाँ सर, आज सबके पास ये टाइम किसका है ना, एंट्री है? जी सबके टाइम है, पास टाइम है टाइम ना। है सर सर। सर एक सर बात पूछना है। हाँ E8 का जी, एंट्री है, आपने बोला ना साउथ, ये साउथ ईस्ट में E8 का एंट्री है, क्या रेमेडी कर सकते हैं? वो काटना उसको उससे पड़ेगा, आपको कॉपर से काटना पड़ेगा और S3 खोलना पड़ेगा। सर एक आपका डाउट है। नाम क्या है? अनीता गुप्ता। जी भेजती हूँ सर अभी आपको, हाँ भेजो ना, एक बार रिसेंड करो तो ढूंढना ना पड़े, आप ही के उस पे भेज दूँ व्हाट्सएप पे? जी हम मेरे में भेजो, ग्रुप में भेजो, जी कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप में भेजती हूँ सर। सर अगर सर एक बात पूछना है, ठीक है होने, जैसे कि सर आपने किचन के लिए बोला था पहले कि हमको टाइल जो है ग्रीन ग्रीनिश कलर का अच्छा होता है किचन के लिए, और अगर सर किचन सही जगह पे है, जैसे साउथ साउथ ईस्ट पे किचन है अपना,
इन दैट केस सर हम उसको ग्रीन ही लगाना है कि और भी कलर यूज ग्रीन कर सकते बोला हैं? नहीं है सर, क्रीम बोला है, क्रीम ऑफ व्हाइट। वो स्लैब का टाइल्स का इसका बोल अगर किचन है तो आपको ग्रीन यूज करना है प्लेटफॉर्म मेहंदी साउथ कलर साउथ का। साउथ साउथ ईस्ट में अगर साउथ साउथ ईस्ट में है तो ये जो नॉर्मल क्रीम कलर है या फिर हाँ व्हाइट कलर है उसके प्लेटफॉर्म आप यूज कर पाओगे कहीं पे भी, क्योंकि आकाश तत्व जो है उसकी सबसे बनती है और वो लिथल नहीं है दूसरे तत्व जैसा। मतलब बेस्ट ग्रीन ही है, उसके अलावा हम व्हाइट भी यूज कर सकते हैं। पर साउथ साउथ ईस्ट का है तो क्रीम क्रीम ग्रीन है ही नहीं। ऑफ ओके सर, व्हाइट कहेंगे ना? ऑफ ओके व्हाइट, ओके, ऑफ व्हाइट ग्रीन नहीं है, क्रीम। ऑफ व्हाइट सारे 16 जोन में चलेगा। हाँ जी सर ये आपने काटने का प्रोसेस बताया था ये इंक्रीस वाला, तो पहले स्ट्रिप डालेंगे जमीन पे और फिर दो ईट की दीवार खड़ी करेंगे, ऐसा ना? वो जमीन अगर जोन काटना है तो तो मतलब एंट्री सही बोल काटनी रही है हूँ, तो एंट्री काटनी है तो जरूरत नहीं है। एंट्री के लिए तो सिर्फ स्ट्रिप डालेंगे, इंक्रीज हाँ हो जी रहा है जोन तो बस हाँ स्ट्रिप डाल के दो ईंट की दीवार खड़ी करेंगे, है ना? यस 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 ठीक है सर सर। एक चीज और पूछनी है, अगर हमें जैसे यस सारे ही घर को न्यूट्रल जोन में लाना है, कटा है और बड़ा है दोनों चीजों को अगर हमने बैलेंस करना है, तो हम ऑफ व्हाइट कलर या क्रीम कलर हर चीज के लिए यूज कर सकते हैं, वो हर वर्क चीज के करेगा? लिए यूज कर सकते हो। यस कलर में भी यूज कर सकते, पेंटिंग में भी यूज कर सकते हैं, किचन सब में, जगह टाइल्स कर में, सकते हो, सब कर्टन्स जगह कर में, सकते तो वो पूरी घर की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। हो। यस ठीक है सर, अगर चलिए कोई अनीता एंट्री, जी आगे आ अगर जाइए। हाँ सर एक सवाल है, स्वीटी आ अगर कोई गई। हाँ एंट्री सर, हम सर एक काट रहे क्वेश्चन है। हैं और हाँ दूसरी एंट्री खोल नहीं पा रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं वो? तो वो तो गलत हो जाएगा ना, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ओके, और कोई उसके रिपरकशंस है सर? मतलब कॉन्स्टिपेशन मतलब सारी एनर्जीज का कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा क्योंकि आप ब्लॉक कर रहे हो, कुछ खोल नहीं रहे हो। बिकॉज वो फ्लैट्स में, अभी नए फ्लैट्स में अलाउड नहीं है कहीं भी रॉड करके, या S3 S4 या N4 या कोई भी अलाउड नहीं है कि हम कुछ कर सके, तो बाप रे, तो आपको वो फिर क्या यंत्र कर भी आप सकते मुझे हैं सर? सिखाना पड़ेगा। आपके लिए खाली बता दूंगा कौन सा आपको खोलना है, उसका मैं यंत्र भेज दूंगा आपको, जी ठीक सर। है? वो बनवा लेना और वो यंत्र प्लेस कर लेना जहां पे S3 आ रहा है अंदर की साइड, ओके सर, ठीक तो सर है, वो ग्रुप और उससे भी 100% रिजल्ट नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूं। तो फिर एंट्री वैसे ही रहने दीजिए जैसी है, बेटर रहेगा, क्योंकि और कौन कोई सी एंट्री एंट्री है पॉजिटिव आपकी? तो W5। W5। W5 हाँ, रहन दो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। परफेक्शनिस्ट ओवर एम्बिशियस एटीट्यूड ऐसा कुछ है ना W5 का? यस यस, हाँ तो वो चलेगा ना, परफेक्शनिस्ट वो तो अच्छा ही है। तो फिर ट्रीट ही नहीं करते ना सर उसको, नहीं चलेगा मत ना? करो मत करो मत करो। और फिर ओके भी सर, मैं यंत्र भेज दूंगा आपको, तो आपको अगर ओके कोई सर, एंट्री खोलनी है तो ओके वो सर, यंत्र आप बाय। बनवा लेना नजदीक के आपके जो भी कॉपर या वो यंत्र वाला हो उसको ओके देके। सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप हाँ जी ग्रुप में ही हेलो। भेज दीजिए ना वो यंत्र वाली जो आप बता रहे वो हैं। अलग अलग होते हैं मैडम सबकी, S3 के लिए अलग होता है, S4 के लिए, E3 के लिए, E4 के लिए, सब। अब भी पढ़ लोगे मेरा आगे के कोर्सेज बिकेंगे कैसे मैडम? देवता कंटिन्यू कर लेते हैं ना अभी इनका सर? ले लेते हैं देवता फिर देवता कंटिन्यू कंटिन्यू करते सर, देवता वही की सर। मैनिफेस्टेशन सर। सर एक मैनिफेस्टेशन विश के लिए और कहा था सर आपने, मैनिफेस्टेशन विश भी कैसे करते हैं? मैनिफेस्टेशन आपको करना है ईस्ट साउथ ईस्ट में, और आपका जो बोर्ड लगाना है वो लगाना है आपको वेस्ट में। ओके, मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठना है और हाँ जी बैठ के मैनिफेस्ट करना है ईस्ट साउथ ईस्ट में। फेसिंग भी, फेसिंग का भी है फेसिंग तो ईस्ट ही होगा ना मैडम, समझाया था, नॉर्थ और ईस्ट दो ही तो सर? मेरा एक फेसिंग है। क्वेश्चन है सर। यस हेलो सर। यस यस सुन रहे हैं। हाँ सर, मैंने आपको मैसेज भी किया था कि सर अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं सर। सर तो साउथ ईस्ट ठीक करिए। हाँ मतलब अगर जोन के बीच में अगर ब्लू कलर आ रहा है कोई इक्विपमेंट तो निकाल, उसको रेड नहीं कलर सर करवा दो, रेड कलर करवाना पड़े, अगर नहीं कर सकते रेड कलर तो रेड मत करवाना, पिंक कर देना। पिंक। हाँ सर, अगर चेंज नहीं कर सकते कलर तो स्ट्रिप लगाना पड़ेगा। नहीं स्ट्रिप से नहीं होगा वो,
जोन के बीच में कहाँ पे भी नहीं आना चाहिए सर, ब्रह्मस्थान से कोने कोने नहीं तक। नहीं नहीं और सर या तो डब्ल्यू आप थ्री रेड को बढ़ा दीजिए हाँ ना भैया, आप कलर चेंज नहीं करवा हाँ सकते उस चीज हाँ का, सर तो हाँ रेडनेस सर उधर बढ़ा दीजिए, लाल बल्ब चालू कर दीजिए, कोई वॉल हाँ रेड सर पेंट कर लीजिए। हाँ हाँ सर सर W3 में सेप्टिक टैंक आ रहा है, लेकिन वो 30% एरिया से बहुत बहुत कम है सर। मतलब 8x8 का सेप्टिक टैंक पकड़ो तो 9 घंटा का जगह पकड़ो, इतना है सर तो काट डब्ल्यू दो थ्री ना, के। हाँ काट दो सर आयरन स्ट्रिप से काटना पड़ेगा, आयरन स्ट्रिप से। यस ब्रास नहीं ना नहीं, ब्रास नहीं आएगा ना, W3 है तो आयरन आएगा। सर, सिर्फ एंट्री में उसके ऊपर ही टॉयलेट है सर, उसके एंट्री में ही काटना पड़ेगा टॉयलेट के, क्या सिर्फ चारों टैंक्स के नहीं चारों बाजू कभी में। भी, नहीं, कभी W3 कोई भी टॉयलेट की एंट्री पे कुछ काटना ही नहीं है, जो WC है उसको काटना है सर। ऐसी हाँ हाँ गलती सर कोई भी मत करना भूल से। हाँ हाँ सर 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 ठीक है ठीक है। सेप्टिक टैंक के लिए सेप्टिक टैंक के लिए भी चारों बाजू उसको काटना है। हाँ हाँ तो वो टैंक्स के बाजू में से काटा तो चलेगा। यस, उसके उसके लिए अभी आयरन स्ट्रिप से काटना पड़ेगा। आयरन स्ट्रिप से काटना पड़ेगा, आपको चांदी और मोती भी डालनी पड़ेगी। हाँ सर वो आयरन स्ट्रिप का लोकली मिलेगा ना सर। हाँ बन बन जाएगा, लोकली मिलता नहीं है, अवेलेबल रेडिली अवेलेबल नहीं होता सर वो, थिकनेस पर क्या होना चाहिए हर सर एक शहर में उसका, मिल जाता है वो। मैं तीन वो एमएम ऑलरेडी एक ग्रुप में एक बार डाला हुआ है, फिर हाँ भी मैं थ्री भाविन को एमएम बाय बताता ट्वेंटी हूँ। फाइव एमएम बाय कुछ हाँ था वो सर। MM वाला को डाला था, वो टेक्निकल चीज है, वो मुझे समझ नहीं आती इतनी। सर साउथ सर ईस्ट एक्टिवेट करने के लिए और क्या कर सकते सर, मंत्रा वगैरह कुछ। साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए आप रोज क्वार्ट्ज का पिरामिड बना सकते हो, वो 3 ला के रख सकते हो, तो वो साउथ ईस्ट एक्टिव होगा उससे। रोज रोज कॉर्ड्स आर और क्या है क्वार्ट्ज का पिरामिड, और फिर रेड कार्नेलियन के बॉल्स ला के रख सकते हो, तो रेड कहाँ पे जेस्पर का मिलते हैं सर ये, पिरामिड मिल ऑनलाइन मिल जाएंगे भैया। क्रिस्टल मुझे वालों लगता है पे मुझे अभी मिलते स्टोर हैं चालू कर देना पड़ेगा, नहीं तो कर दो सर, क्रिस्टल अच्छा शॉप्स पे होगा। मिलते हैं, बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। सारा पैसा तो मेरे ये पास आएगा। श्रेयंत सर भाई इन्वर्टर सेफ्टी का के कोई रिगार्डिंग एक लोकेशन और होता है डाउट क्या है, स्पेसिफिक? इन्वर्टर एक एक करके प्लीज इन्वर्टर प्लीज इन्वर्टर का सर। कोई लोकेशन होता है स्पेसिफिक, किस चीज का इन्वर्टर्स जो इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर्स का। इन्वर्टर का इन्वर्टर का जो लोकेशन है वो आप ईस्ट में रख सकते हो, ईस्ट साउथ ईस्ट में रख सकते हो, साउथ में रख सकते हो, और साउथ साउथ ईस्ट में रख सकते हो। साउथ ईस्ट में नहीं रखना है, ये साउथ ईस्ट के लेकिन दो नॉर्थ ईस्ट में जोन हो तो पहले, दो जोन पहले और दो जोन के बाद वहां पे आप रख सकते हो इन्वर्टर, फिर वेस्ट में रख सकते हो। एसी में रख सकते हैं, हाँ साउथ जी में रख रख सकते सकते हो। हैं यस सर। साउथ 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 ईस्ट में रखने से क्या इश्यूज साउथ ईस्ट में रखने से लीगल इश्यूज। सर, नॉर्थ ईस्ट में सर, इन्वर्टर हो, नॉर्थ ईस्ट में इन्वर्टर बहुत गलत है, मतलब गुस्सा नॉर्थ बहुत एरिया आएगा, है बहुत गुस्सा आएगा। तो वहां से हटाना ही पड़ेगा या कुछ रेमेडी है? नहीं, वहां से हटाना ही पड़ेगा। नॉर्थ सर एक साइड आ डाउट है, रहा है N4 इलेक्ट्रिकल में मीटर्स आ में रहा है। वो तो साउथ ईस्ट में चलेंगे ना, जो इलेक्ट्रिकल मीटर्स रहते हैं अपने। सर इलेक्ट्रिकल मीटर्स आएंगे वो साउथ ईस्ट में चलेंगे। हाँ वो चलेंगे, इन्वर्टर नहीं लगाना हाँ है खाली। भैया आइए। सर अभी एक बात पूछना है मुझे, ये अभी जो आपने यस सेप्टिक टैंक का बोला था, नहीं जैसे अभी हमारा अगर पापा ने बनाया था तो वो बाय डिफॉल्ट साउथ में आ गया सेप्टिक टैंक, तो उसका अभी क्या कर सकते हैं सर। तो साउथ और एक ही जोन में आ रहा है या दो जोन में आ रहा है? तो साउथ में ही आ रहा है सर, 90% साउथ में ही है। कॉपर से काट दो, ओके और उसको अगर शिफ्ट करना है तो कहाँ शिफ्ट करें सर। बाजू में साउथ साउथ वेस्ट में। सर ये जो पावर मीटर होता है कमर्शियल एरिया में, बड़े वाले नहीं लगते फैक्ट्रीज में पावर के लिए, तो वो ESC में चलता है क्या? ईस्ट साउथ ईस्ट में, साउथ चलेगा ना, ईस्ट में मीटर चलता है घर का? साउथ साउथ ईस्ट में भी चलेगा, ईस्ट साउथ ईस्ट में भी चलेगा। वेस्ट में सर? साउथ ईस्ट बोला, वेस्ट बोला ही नहीं। नहीं मैं पूछ रहा हूँ सर, क्योंकि तो मेरा हाँ नॉर्थ ईस्ट में ही बैटरीज यूपीएस सब नॉर्थ ईस्ट में ही है सर। तो निकाल लो सर वहां से, उसको हल्का एक करो, वेस्ट में रख सकते हैं सर? एक सर एक आपने करके कभी, पूछो ना भाई प्लीज।
आपने कल भी बताया था ESC, SC और SSC, तीनों हम साउथ ईस्ट ही बोलेंगे तीनों को, ऐसा है हाँ, ना? वैदिक में उसको साउथ ईस्ट ही बोलना जाता है। ठीक है, सारी दिशा के लिए ऐसा ही है। एक बार सुन लीजिए सर, हम बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, अभी अभी मैं नए घर में शिफ्ट हुई हूँ, 6 महीना हुआ है सर। तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ है सर 2-3 दिन पहले कि मतलब कोई हमारा 15 लाख रुपया लेके सर रातों रात चला गया, अच्छा जिसका कुछ अता पता नहीं है सर फिलहाल। तो आप ओके। क्या हाँ घर का लेआउट देख के सर कुछ बताएंगे कि घर में ऐसा क्या जी, घर प्रॉब्लम का है? लेआउट भेज दीजिए आप, गूगल ग्रुप में लोकेशन भेज घर का ग्रुप में मत भेजिए, आशीष भाई को भेज सर, देना। भविन सर को मैं ग्रुप भेजी में कुछ थी भी मत वही डालना, या तो भाविन को या आशीष भाई को, दोनों में से किसी को डालना, और सर, फॉलोअप भी उनसे ही लेना। मैं भेजी थी सर। तो सर वो लोग बोले कि संडे को आपसे डिस्कस करूं। हाँ बट मैं अभी, मेरे पास आया नहीं है, मुझे अभी पता नहीं है, तो फिर से क्या करूं देख सर? लेते हैं। हाँ देख लेते हैं, अपने ग्रिडर मैप है आपके पास? हाँ सर, क्लास के बाद मैं आपको बता दूंगा। सर आप पक्का बता देंगे ना? हाँ जी बिल्कुल। मैं सर कहाँ मैसेज करूं सर, कहाँ हाँ, आशीष भाई मैसेज को ही करूं सर? मैसेज करना मैम। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी सर यदि मानसिक दबाव, डर, ओवर थिंकिंग रहती हो तो किस देवता की पूजा करें? रेगुलर रहती हो ये प्रॉब्लम? आपकी राशि कौन सी है? वृष राशि है। वृष राशि है तो आपको गणपति जी के पास जाना पड़ेगा। मतलब वेंसडे या एवरीडे? नहीं, गणपति के पास जाना पड़ेगा मतलब गणपति अथर्वशीष करना पड़ेगा या संकटनाशन स्तोत्र करना पड़ेगा। घर में कर सकते हैं हाँ डेली पूजा के टाइम पर ना? हाँ यस। अभी हम 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अच्छा, अथर्वशीर्ष पाठ बताए। यस सर एक क्वेश्चन सर, उसके बाद ब्रेक ले लीजिए सर। हाँ जी बोलो। हाँ सर, एक्चुअली मेरा नॉर्थ ईस्ट में जो बैटरी जो यूपीएस आ रहा है उसको या तो वहां से मैं सीधा वेस्ट में ही शिफ्ट कर सकता हूँ सर, वेस्ट ठीक कर रहेगा सर? दीजिए। हाँ जी बिल्कुल ओके सर। यस। सर इन्वर्टर, अच्छा ब्रेक लिया है क्या सर? ठीक हाँ ब्रेक लिया है, करते हैं है, हम। कोई नहीं कोई दिक्कत दूसरी लिंक भेजता हूँ मैं आपको, ठीक है सर। ठीक सर है? हाँ जी ओके सर, वो ये जो अपनी 45 देवता बताए थे उनमें से किसी का थोड़ी ना करना सर? क्या 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 किसी का करना वो है? मैं ओवर थिंकिंग और वो मेंटल नहीं प्रेशर। नहीं 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 आपने पूछा क्या पाठ कर सकती हूँ मैं, इसलिए मैंने आपको पाठ बताए। ओके, तो ये किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर हाँ जी कभी भी कर सकते हो करना स्नान। है? हाँ रेगुलर करना है, स्नान लेके करना है, ठीक है? अथर्व शीर्ष बताया ना आपने सर?